ये भ्रांत है, ये थोड़े से लोग रेस्ट के लिए भी अगर लेटे हैं बरामदे में, थोड़ी सी गर्मी है तो ज़रा मौसम अच्छा हो गया। तो मैंने कहा ज़रा ये मैं इसको प्रसाद में पीछे करके, उन्होंने म्यूजियम भी बनाया हुआ इस तरह की सारी चीज़ें, ये देखें और बताएं कि कैसी लगी आपको ये मस्जिद का ट्रिप। ज़्यादातर क्योंकि गर्मी है लोग इस तरह की चीज़ें पहनते हैं, मैं अपनी पहनता हूँ। और उनको बाहर तक ये मस्जिद का मीनार, ये सेंटर में है, सेंटर के अंदर जो मस्जिद है ये वजू खाना है उनका। और मेन मस्जिद में शामिल होती है इनकी, आप देखें ये मलेशिया की सेंट्रल मस्जिद है, उसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। यहाँ देखें जब मैंने क्लॉक लगाया हुआ, बेसिकली अरबी में अल्फाबेट्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10। फैसल मस्जिद की तरह बिल्कुल एक भरा सा हाल है। लेकिन उसका वो नहीं है, आप ये देखें अल्लाह मोहम्मद अल्लाह मोहम्मद अल्लाह मोहम्मद, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद हाल के साथ साथ बाहर भी इसका जो है वो अच्छी खासी भरी है। बाहर जाएं तो आपको नज़र आएगी, बहुत ही स्पिरिचुअल है, क्वाइट। मेरी भी बचा देता है कि जब मैं मुसलमान ममालिक का विज़िट करता हूँ तो अक्सर उनकी मस्जिद में, बल्कि दुनिया में भी कहीं कहीं भी चले जाएँ आप, बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिस तरह ग्रीस की तरह के मुल्क बहुत ही कम आपको नज़र आएंगे जहाँ मस्जिद, ख़ासतौर पर जहाँ मैं सेंटोरिनी में गया था वहाँ मस्जिद बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं थी, होगी बस वो नहीं मिली। लेकिन दुनिया के हर मुल्क में आपको मस्जिद मिलती है, अच्छी से अच्छी मस्जिद मिलती है। ये मस्जिद तो बहुत ही खूबसूरत, अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। पानी का भी इंतज़ाम रखा हुआ, देखें पानी की बोतलें तक उन्होंने रखी हुई हैं। किसी ने पानी पीना प्यास लग रही है वो इधर से पानी भी पी सकता है। एक रेमी डालें आप और आप पानी पी लें, ठीक है, और आपको पानी भी मिल जाएगा। हर तरह का उन्होंने इंतज़ाम रखा हुआ, पीछे करके कोई गैलरी है मेरे ख्याल में इसी मस्जिद की। अभी तो ये काफ़ी भरी है, मैंने तो आपको विज़िट नहीं सही तरीके से करा पाया, लेकिन ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, बेसमेंट भी है इसका। बाहर से तो बहुत अच्छी है, बाहर से भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह अपनी सेकंड वीडियो में। ये इसके कॉरिडोर्स वगैरह है और ये है ये सारी मस्जिद। मैं इस मस्जिद में आ रहा था तो निकलने लगा था तो ये तो इस बुक स्टॉल के ऊपर मेरी नज़र पड़ी, कुरान पाक की कापियाँ रखी हैं। जो सबसे अहम चीज़ जो मुझे फील हुई है ना वो ये हुई है कि ये देखें हिब्रू के अंदर ये कुरान है, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, ये किसी और लैंग्वेज में, ये कुरानी
ये भी कोई लैंग्वेज है, ये ग्लोरियस कुरानो, और ये सारा इन्होंने रखा हुआ है। तो उसके अंदर जो सबसे अहम बात मुझे लगी है वो ये है कि हिब्रू के अंदर भी इन्होंने कुरान पाक को ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सारा इन्होंने हिब्रू ज़ुबान में उसको ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके कुरान पाक की कापियाँ ये हिब्रू में पड़ी हैं। नीचे लिखा भी हुआ हिब्रू, और ये लगता ऐसे ही है कि कुरान पाक की कापी है, क्योंकि ये कुरान इंग्लिश में पढ़ा है और ये सारे कुरान पाक डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़े हैं, और ये हिब्रू में है। तो ये मैंने बताना था आपको कि किस लेवल के ऊपर इस्लाम को जो है ना प्रमोट करते हैं, और इंक्लूसिविटी है वही वाली बात। ये मस्जिद के मीनार दूर से नज़र आ रहे हैं आप, ये पुरानी मस्जिद है, ये पुरानी बिल्डिंग है, ये इसके ये बाकी डाउन टाउन के अंदर आई है सारा। अभी मैं बस बाहर की तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ कि आगे क्या है।